मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नव मंगल हो, जल मंगल हो, नव मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, परम तपस्वी परम पूज्य त्यागी बाबा कल्याणदास जी महाराज की अमृत वाणी। जो भी जीवन में कार्य करते हैं उसको हम भगवान का ही चिंतन माने। अगर एक किसान खेत में काम करता है वो अन्न के द्वारा भगवान की पूजा करता है। तुम 24 घंटे माला लेके चुपचाप बैठे रहोगे इसका नाम भक्ति नहीं है। सच्चिदानंद भगवान की जय। पुण्य सलिला माँ पराम्बा नर्मदा जी के इस पावन तट पर उद्गम स्थली तपोवन बन अमरकंटक की इस दिव्य धरा पर कल्याण सेवा आश्रम के इस दिव्य सभागार में नवरात्रि के इस पवित्र महोत्सव के उपलब्ध में आयोजित संतों की सभा के माध्यम से आप लोग बड़े सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे।
जीवन के लिए जो परम उपयोगी है। हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, और अभी आप महापुरुषों के भी मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत के अंदर महाराजा निमि ने नव योगेश्वरों से यही प्रश्न किया था, दुर्लभो मानुषो देहे देहिनां क्षणभंगुर, क्या मनुष्य जीवन दुर्लभ है। और जब भगवान की बड़ी अहेतु की अनुकंपा हुई है, कबो हम कृपा करें मानुष देही देत ईश विनुहित सनेही। जब भगवान की अहेतु की अनुकंपा होती है तभी भगवत कृपा से हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। तो मनुष्य जन्म का सदुपयोग हम कैसे करें, ये सबसे विचारणीय प्रश्न है। यही बात महाराजा निमि ने नव योगेश्वरों में जो चौथे नंबर के योगेश्वर कवि हैं उनसे यही बात पूछी है, दुर्लभो मानुषो देहिनां क्षणभंगुर, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। जब भगवान की अहेतु की अनुकंपा होती है तब उसको यह प्राप्त होता है, क्षणभंगुर, कब यह समाप्त हो जाएगा, कब चले जाएगा, इसका कोई भी समय निश्चित नहीं है। तो इसलिए आप कृपा करके हमें बताइए, यह क्षणभंगुर जो मनुष्य देह है, जो भगवान की सर्वोच्च कृति है, इसमें हम कम समय में उस परमेश्वर को कैसे जान सकें, प्राप्त कर सकें। और यह प्रश्न महाराजा निमि का ही नहीं, हम सब का एक ही प्रश्न है, हम उस सत्य को कैसे समझें, कैसे जानें, और उसमें तदाकार हो करके उस सत्य की हम अनुभूति कर सकें। यही बात हमारी भारतीय परंपराओं में है, भक्ति के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, इसी बुद्धि को सुलझाने के लिए महापुरुषों ने अनेक अनेक तरीके से विचार किया है। शिव महिमन स्तोत्र में एक श्लोक आता है, रुचीनाम वैचित्र्यांग द्विजकुटिल नाना पथजुषाम। इससे पूर्व जो है लिखा है, त्रयी सांख्यं योगं पशुपति मतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिद मत पथ्यमिति च। पुष्पदंताचार्य लिखते हैं, चाहे कोई किसी रूप से भी, चाहे सगुण उपासना के माध्यम से, चाहे निर्गुण उपासना के माध्यम से, चाहे योग के माध्यम से, किसी तरह से भी, किसी प्रकार से भी, हे भगवान शिव, किसी मार्ग का अवलंबन करके भी व्यक्ति चाहे किसी मार्ग की ओर से आराधना करता है, वह आपकी ही आराधना है। हमारे भारतीय परंपरा में पंचदेवोपासना की बात बताई गई है, और हमारे भारतीय साहित्य में भी भक्ति मार्ग की, योग मार्ग की, ज्ञान मार्ग की, जप मार्ग की, यहाँ तक कि तंत्र माध्यम से भी अनेक तरह की उपासनाओं का वर्णन आता है।
तो पुष्पदंताचार्य कहते हैं, जैसे चारों दिशाओं से बहने वाली नदी अनंत जलराशि को लेकर के उनका अंतिम आश्रय स्थान सागर ही होता है, समुद्र की ओर ही जाती है। चाहे पूरब से जाए, चाहे पश्चिम से जाए, चाहे उत्तर से जाए, चाहे दक्षिण से जाए, जिस दिशा की ओर से भी प्रवाहमान होके जाएगी उसका आश्रय स्थान समुद्र ही होता है। जब वो सागर में मिल जाती है, उसका नाम, उसका रूप, उसका प्रभाव भी सागर हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, नदियों का पानी सब मीठा होता है, कोई खारा पानी बहने ही होता है। संसार में जितनी भी नदियां हैं सब मीठे जल को लेकर के प्रवाहमान हो रहे हैं, किंतु सागर में मिलते ही वो सब खारा हो जाता है। सागर का अपना स्रोत नहीं है, ये जो अनंत नदियां बहते हुए सागर की ओर जा रही हैं, उसी जल से सागर भरता है। पर सबका पानी मीठा है, पर सागर खारा है। तात्पर्य यह है, हम चाहे किसी रूप की भी उपासना करें, चाहे किसी मार्ग में भी चलते हुए करें, चाहे मंत्र के माध्यम से करें, चाहे योग के माध्यम से करें, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से करें, चाहे अनेक रूपों के माध्यम से भी क्यों न करें। विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक आता है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे परिविष्णवे। यह बड़ा सारगर्भित श्लोक है। जितने रूपों में, अनेक रूपों में प्रतिभाषित होने वाला वह तत्व सब नारायणी है, वह उसी का रूप है। यह सबसे बड़ी जो है हमारी भारतीय चिंतन धारा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। विश्व के अंदर अनेक संप्रदाय बनी हैं, अनेक धर्म बने हैं, वहां एक ही बात बताई गई है, उस एक ही बात को उनको समझाया जाता है, और एक ही ग्रंथ की बात बताई गई है, वहां पर अनेक ग्रंथ नहीं है। किंतु वहां भी विवाद है, वहां भी संघर्ष है, वहां भी लड़ाइयां हैं, किंतु भारत में अनेक तरीके की, चाहे सगुण उपासना हो, चाहे निर्गुण उपासना हो, चाहे अनेक तरह से किसी तरह रुचि नाम वैचित्र्याम, अपने रुचि के अनुसार भी हमारे यहाँ एक भाव साधना का प्रचलन है। जो महापुरुष अपने भाव के माध्यम से उस सत्य को जानने की इच्छा करते हैं, तो वह सिर्फ भाव को देखते हुए परमात्मा को देख पाते हैं, उसी से उसको प्राप्त भी कर पाते हैं। अनेक महापुरुष जो भाव साधना के माध्यम से भी उस सत्य तक पहुंच जाते हैं। जैसे नदियां चारों दिशाओं से बहती हुई अंत में उनका आश्रय स्थान एक सागर ही होता है, उसी तरह से इस अनंत ब्रह्मांड में, ना ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना इसका विस्तार है, कितनी इसकी गहराई है, कितनी ऊंचाई है, आज का भौतिक विज्ञान भी इस ओर बहुत परिश्रम कर रहा है शोध के माध्यम से। आप लोग पढ़ते हैं, जो विज्ञान की पत्रिकाएं पढ़ते होंगे, अनेक उपग्रह छोड़ करके वो इस ब्रह्मांड की खोज में लगे हैं, पर एक अंश भी उसको अभी तक नहीं समझ पाए हैं। और हमारे भारतीय मनीषियों ने यह पहले ही बता दिया, इस ब्रह्मांड का कोई आदि और अंत नहीं है, इसका विस्तार कितना है इसको नहीं कहा जा सकता है, इसको अनर्वचनीय कहा है, वाणी उसको व्यक्त नहीं कर सकती।
तो भारतीय मनीषियों ने यह कह करके साधकों के जो भटकाव की स्थिति है उसको रोक दिया। उन्होंने समझाया जितनी गहराई में तुम जाओगे तुम्हें कुछ नवीन मिलेगा, और जितना तुमने अनुभव किया उतना ही है यह समझ करके तुम यह निश्चय नहीं करना, इतना इसके बाद भी बहुत कुछ है। यही हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की साधना है जो सर्वमान्य है। इसीलिए हमारा यहाँ शक्ति उपासना का पर्व है, पंचदेवोपासना में शिव शक्ति गणेश विष्णु और सूर्य यह प्रकृति के यह प्राण शक्ति है, प्रकृति में प्रवाहमान होने वाली ऊर्जा है जो सूक्ष्म रूप से मनुष्य के अंदर इन पांचों तत्वों से मनुष्य का शरीर भी अस्तित्व में आया है। इसकी चर्चा हम लोग आने वाले दिनों में विस्तार से करेंगे। जो हमारे अंदर की प्राण शक्ति है जिससे हम सोचते हैं, जिसके द्वारा हम देखते हैं, जिसके माध्यम से हम सुनते हैं, जिसके माध्यम से हमारी बुद्धि आगे की ओर गमन करती है, यह ऐसे विलक्षण तत्व हैं ब्रह्मांड के विस्तार की और ब्रह्मांड की गहराई की। ब्रह्मांड के अंदर जो ऊर्जा विद्यमान है और जो उसमें प्रवाहमान है उसके विषय की ओर हमें संकेत करती हैं, और साधना के माध्यम से हम उसी तत्व को जानने के लिए उपासना करते हैं। और शक्ति तत्व हमारी भारतीय साधना का प्रथम अंग माना गया है। गीता में भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वयते सचराचरम, अर्जुन मेरी अध्यक्षता में यह सारे ब्रह्मांड की संरचना, अनंत ब्रह्मांड की संरचना मेरे संकल्प के माध्यम से प्रकृति इसकी रचना करती है मेरी अध्यक्षता में। इसलिए हमारी भारतीय परंपराओं में शिव शक्तियों युक्ता कहा गया है। पुरुष और प्रकृति के बिना यह संसार कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकता है। अकेले प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती है, अकेले पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता है। यह हमारे भारतीय अध्यात्म विज्ञान का मूल स्रोत है, मूल सोच है। तो इसी को प्रतिपादित करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मयाध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में मेरी मनसा को पूरी करने के लिए प्रकृति इस चराचर जगत की संरचना करती है। अब यहाँ पे पुरुष और प्रकृत्यात्मक जगत भी एकत्व का इसमें एक संदेश है जिसकी चर्चा हम आने वाले दिनों में आप लोगों के बीच में किए करेंगे। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, प्रतिवर्ष नवरात्रि के इस पुनीत पर्व पर माँ पराम्बा भगवती के इस दिव्य वातावरण में आप लोग आकर के शक्ति की आराधना करती हैं करते हैं। तो हम शक्ति की आराधना करते हैं कहने का तात्पर्य हम जगत की साधना करते हैं, जगत को जानने की साधना करते हैं, ब्रह्मांड के विस्तार की साधना करते हैं। ब्रह्मांड किस तत्वों के माध्यम से यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, इसका क्या क्या ऊर्जा इसमें प्रवाहमान हो रही है, इसका जो हम चिंतन करते हैं यही शक्ति तत्व की आराधना है। पर मयाध्यक्षेण प्रकृति, मनसा उस परमात्मा की है और प्रकृति उसको कार्यान्वित कर रही है, इसलिए हम शिव शक्ति की, परमेश्वर की और शक्ति की समान आराधना करते हैं। यो प्रियमेकल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख
संपत्ति राशि। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के पद हैं। जिस समय मानस की उन्होंने रचना की तो उस समय उन्होंने इस पद को गाया। जैसे भगवान शिव को ये मैकल सुधा, ये पर्वत का नाम मैकल है, उत्तर तट पर विंध्यांचल और दक्षिण तट पर जो है सतपुड़ा, इसके मध्य में मैकल पर्वत, मैकल कहते हैं धुरी को। यहीं से माँ नर्मदा जी का उद्गम हुआ है भगवान शिव के कंठ से। आदो अमर कंठे त्रिभुवन विवरी कल्पदासाम कुमारी, यह माँ नर्मदा जी का ध्यान मंत्र है। जैसे भगवान शिव को मैकल श्रुता प्रिय है, नर्मदा बहुत प्रिय है, नर्मदा जी को शिव ने नहीं छोड़ा। सतपुड़ा और विंध्यांचल के मध्य बहने वाली नर्मदा जी के तट पर जितने कंकर हैं वह सब शंकर कहलाते हैं। बोल सच्चे दरबार की, नर्मदा मैया की जय जय। जो भी पाषाण नर्मदा जी के जल का स्पर्श कर लेता है वह शिवलिंग हो जाता है। पुराणों में ऐसी भी कहानियां हम पढ़ते हैं। गंगा जी के तट पर जो अस्थि विसर्जन करते हैं तो गंगा जी उस अस्थि को जलवत कर देती है, उसको अपने स्वरूप में मिला लेती है। पर नर्मदा जी के तट पर जो अस्थि विसर्जित की जाती है माँ नर्मदा उसको शिवलिंग बना देती है। अभी हाल में ही नर्मदा जी का के ऊपर जब शोध चल रहा था, वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे थे, तो उन्होंने एक हड्डी देखी जो आधी पत्थर बन चुकी है, आधी अस्थि के रूप में, हड्डी के रूप में है। होशंगाबाद जिले के अंदर संग्रहालय में अभी भी वो अस्थि रखी हुई है, ऐसा हमने सुना। तात्पर्य यह है कि नर्मदा जी का जल जिस अस्थि को स्पर्श कर लेता है वह अस्थि चाहे किसी की भी हो उसको माँ नर्मदा शंकर जी बना देती है। लोग उसकी पूजा करके कल्याण की प्राप्ति करते हैं। क्या नर्मदा जी की बड़ी कृपा है। और हमारे साधुओं में एक कहानी है, जिसका मन न लगता हो, जिसकी इंद्रियां बहिर्मुख हों, उपासना में जिसका दिल न लगता हो, उसको नर्मदा जी के किनारे भेज दो। तपह रेवा तटंकुरिया मरणंग जाह्नवी तटे, नर्मदा उसको ज्ञान से भर देती है, उपासना से भर देती है और उसकी जीवन की दिशा को ही बदल करके वो उसको पूर्ण साधक बना देती है। नर्मदा जी का महत्व है। जब पृथ्वी सस्यशालिनी अनाज से पेड़ जमीन लहलाने लगती है तो किसान का मन बड़ा प्रसन्न हो करके वह माँ पराम्बा की पूजा करता है, वह परमा से प्रार्थना करता है कि माँ इसी तरह हमारे जीवन में प्रसन्नता दो। व्यापार अनाज अच्छा होगा, समाज में समृद्धि रहेगी, व्यापारी भी जो है बड़ा प्रसन्न होगा। जब व्यापार ठीक से चलेगा तब जब अन्न धन धान्य से पूर्ण यह पृथ्वी सस्यशालिनी होकर के अनाज की प्राप्ति होगी। मानस की चिंतन में तीन नारियों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। केकई ने वन को भेजा, कौशल्या और महाराजा दशरथ और अवध के रहने वाले जितने लोग हैं वो राम को वन में नहीं जाने देना चाहते थे। केकई ने जो है वरदान के रूप में राम को वन की ओर भेजा। अगर राम का वनवास नहीं होता
रावण शरी के दुर्दांतों का अंत नहीं होता। कभी भी समाज में जो विकृति फैलाने वाले लोग हैं, समाज में जो है अधर्म के मार्ग को प्रोत्साहन देने वाले लोग हैं, वह तभी समाप्त होते हैं जब समाज जग जाता है और उन लोगों का प्रतिशोध करता है, विरोध करता है। वर्तमान समय में भी यही स्थिति है। अगर कोई भी सत्तारूढ़ दल हो, चाहे विश्व में किसी भी देश का हो, और जनता जब उससे त्रासित हो जाती है तो जनता उसका विरोध करती है और उसको संभालने के लिए, उसको बदलने के लिए बाध्य कर देती है। तो रावण का अत्याचार इसी तरह का था। तो केकई ने राम को वन की ओर भेजा। अगर हम पौराणिक कथाओं को आधार बना के कहें, रावण ने देवता, असुर, किसी भी शक्ति के द्वारा भी मेरी मृत्यु न हो यह वरदान मांगा था। हम काहूं के मरे ही न मारे, सिर्फ बानर और मनुष्यों को छोड़ करके हमको कोई भी दूसरा नहीं मार सके, क्योंकि और जो थे शक्तिमान थे, देवता लड़ते तो रावण को सोचना पड़ता। तो ब्रह्मा से वरदान मांगते वक्त रावण ने हम काहूं के मरे ही न मारे, बानर मनुज जाति दोही बारे, बड़ा सुंदर शब्द लोक भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मनुष्य और बंदरों को छोड़ करके कोई हमें मार न पाए। देखो, जो शक्तिमान व्यक्ति होते हैं, जो आसुरी स्वभाव के होते हैं, वह अमर होने की तो बात करते हैं और देवताओं से मांगते भी हैं हम अमर हो जाएं, नहीं मरें, किंतु उसके पीछे भी अहंकार इतनी बुरी चीज है, वह कहीं न कहीं उनको मृत्यु के रास्ते की ओर ले जाता है। हिरण्यकश्यप ने भी यही वरदान मांगा था, न दिन में मरूँ, न रात्रि में मरूँ, न अंदर मरूँ, न बाहर मरूँ, न मनुष्य से मरूँ, न पशु से मरूँ, न दिन में मरूँ, न रात। अरे बड़ा विलक्षण वरदान है। मानवीय दृष्टिकोण जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक रावण ने अपने को सुरक्षित कर लिया। उसने देहली का वरदान नहीं मांगा, उसने पशु और मनुष्य के से अबध्य होने का वरदान मांगा, पर दोनों का मिश्रित रूप से अबध्य होने का वरदान नहीं मांगा। हमेशा व्यक्ति जब गलत रास्ते के ऊपर जाता है, अपने आप ही उसकी शक्ति क्षीण होती है। वह अपने अहंकार के अंदर यह समझ लेता है कि मैंने जो मांगा वह किसी ने नहीं मांगा, अब तो मैं अजेय हो गया हूँ, किंतु उस अजेयता के पीछे भी वह अपनी मृत्यु का वरदान मांग लेता है। यही रावण के साथ भी हुआ। तो केकई ने राम को मन की ओर भेजा। केकई के विषय में जब हम चर्चा करेंगे, रावण के अत्याचारों से आसुरी शक्तियों के पराभव में सबसे बड़ा योगदान केकई का है। और जब दूसरी है, एक ने वन को भेजा और दूसरी ने जो परिस्थितियां पैदा हुई थी उससे निपटने के लिए एक स्थान का परिचय दिया। केकई ने वन में भेजा और शबरी ने पंपा सरहिं जाओ रघुराई, तह हो वहीं सुग्रीव मिताई। जिनका इंतजार कर रही थी शबरी, जब शबरी के आश्रम में भगवान पहुंचते हैं, अगर हम शबरी के चरित्र का चित्रण करें तो सचमुच शबरी का चरित्र सबसे महान है।
उसने अपने संपूर्ण सुखों का विसर्जन इसलिए किया, उन भीलों की जाति में एक परंपरा थी, जब कन्या की शादी होती थी तो जंगल में घेरा डाल करके अनेक जानवरों को एक जगह पर एकत्रित किया जाता था, और जिस दिन लड़की की शादी की रस्म तय होती थी उन सब जानवरों को मार दिया जाता था, और उस जाति के लोगों में उसका मांस बर्ता दिया जाता था। इससे पूर्व जिस दिन उसकी शादी होनी होती थी उस कन्या को स्नान करा करके नए बलकल वस्त्र पहनाए जाते थे उस समय की रिवाज के अनुसार, और बाद में वो गोठ के अंदर जो घिरे हुए जानवर थे उनका उनको दिखाया जाता था, लड़की को इन जानवरों को देखो उसकी माँ दिखाती थी। तो माँ से शबरी पूछने लगी, माँ हमारे घर में इतने जानवर तो नहीं थे, आज ये जानवर आए कहाँ से और इन जानवरों को यहाँ पे एकत्रित क्यों किया गया है? शबरी एक छोटी सी बच्ची थी पर उसके अंदर में करुणा का एक भाव था, उसके अंदर में दया का एक भाव था। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटी हमारी जाति के रीत रिवाजों के अनुसार हमें आश्चर्य होता है आज के समय में जो अपनी परंपरा की रक्षा के लिए अपने परंपरा के मुताबिक कुछ ऐसा असामाजिक जो है कार्य करते हैं जो समाज को अच्छा नहीं लगता है, किंतु शासन भी उसके लिए मौन रहता है, समाज भी उस विषय में कुछ बोलता नहीं है। किंतु शबरी ने कहा, माँ ये मेरी शादी के लिए इतने जीवों की को क्यों यहाँ एकत्रित किया गया है? तो कहने लगी, बेटी जब कल तेरी शादी होगी इन जानवरों को मार करके इनका मांस बांट दिया जाएगा समाज के हमारे जाति के सभी लोगों के बीच में। शबरी को बड़ा दुख हुआ, छोटी सी नन्ही बच्ची थी। देखो ज्ञान विवेक और चरित्र किसी उम्र का जो है वह नहीं होता है। बच्चे 5 साल के बच्चे को ध्रुव को भी भले ही राजा की गोद में न बैठने देने के कारण उसके मन में दुख हुआ, जब माँ ने उसको बताया, बेटा ये तो एक साधारण राजा है, एक देश का राजा है, उसकी अगर तेरे को गोद नहीं मिली तो मैं पूरे ब्रह्मांड के राजा की गोद में तेरे को भेजती हूँ, पर तू उस राजा की गोद के लिए तेरे को तपस्या करनी पड़ेगी। 5 साल का बच्चा, कल्पना कीजिए। इसलिए ज्ञान किसी अवस्था के लिए नहीं है, वह सब के लिए है। जब बोध हो जाए तभी वो आरंभ हो जाता है। तो माँ ने बताया वो परमेश्वर की गोद है, अगर तू उसको प्रसन्न कर ले जब उसकी गोद मिल जाएगी तो फिर संपूर्ण ब्रह्मांड की गोद में तू बैठ जाएगा। ध्रुव चला, जिसके विषय में वो कुछ जानता नहीं था, तपस्या की, सिर्फ 5 महीने के अंदर उसको नारायण की गोद मिल गई। अवस्था, कोई भी शक्ति की प्राप्ति के लिए अवस्था कभी बाधक नहीं होती है। तो शबरी ने भी सोचा, अच्छा एक बात थी, उस जाति में एक नियम था जिसके लिए इन जानवरों का घेरा डाल करके इनको इकट्ठा किया गया था, अगर वह शादी टूट जाती थी तो उन जानवरों को ईमानदारी से जो है जंगल में छोड़ दिया जाता था। कुछ ऐसे कठोर निर्णय भी, कुछ सात्विकता के निर्णय होते थे, अगर वो टूट जाए तो उन जानवरों, निर्दोष जानवरों को नहीं मारा जाएगा। तो शबरी ने सोचा, मैं चली जाऊं जंगल से, घर से शादी ही न करूं तो शायद
इतने असहाय प्राणियों की जीवन की रक्षा हो जाएगी। शबरी चल दी, बड़ा प्रकरण, बड़ा विस्तार से है, उसको इतना नहीं कह पाएंगे, समय की कमी है। जो शबरी के अंदर में जीव मात्र के प्रति दया का भाव उत्पन्न हुआ था, और वही भाव शबरी को के आश्रम में भगवान दीनानाथ को बुला लाया, और शबरी मुक्त हो गई, भगवान में समा गई। तो मैं आपको बता रहा था, केकई ने वन में भेजा, केकई के मन में दुर्भावना नहीं थी। अगर हम ये कहें कि यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, सब माताओं में भी केकई के प्रति बहुत प्रेम था, कौशल्या में भी था, पर कौशल्या का प्रेम राम को अपने आँखों के सामने ओझल नहीं होने देना चाहता था। सुमित्रा का भी प्रेम था, सुमित्रा जैसी भी परिस्थिति बनती थी उसमें अपने आप को समाहित कर लेती थी, पर केकई का प्रेम राम के प्रति इतना अधिक था, वो राम को संघर्ष की ओर धकेल करके, वनवास की ओर धकेल करके, रावण शरीर के दुर्दांत शत्रु के विनाश के लिए राम को वन की ओर प्रशस्त करती है। शबरी ने केकई ने वन में भेजा, और उस मतंग ऋषि के आश्रम में इंतजार करती हुई शबरी के आश्रम में जब राम जाते हैं, शबरी उनकी स्तुति करती है। प्रकरण बहुत विस्तार से है, वो उसको यहाँ पुनरावृत्ति नहीं कर पाएंगे। आप सब लोग मानस के माध्यम से महापुरुषों के द्वारा इस प्रकरण को सुने हैं। जब शबरी राम की स्तुति करती है, और जब राम ने ये जाना कि अब शबरी महाप्रयाण की ओर जाएगी, क्योंकि मतंग ऋषि ने जब शरीर छोड़ा, शबरी तुरंत वहाँ पहुँची, कहती हैं, गुरुदेव मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपने कहा था बेटी आज से तू मेरी बेटी हुई, जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ तू जाएगी, मेरे पास तू रहेगी, किंतु आज आप मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ जाऊँगी। तो मतंग ऋषि ने अपने नेत्रों में आंसू भरते हुए शबरी से कहा, शबरी मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ वो रास्ते में कोई साथ नहीं जाता है, पर मैं तो अपने कर्म के प्रभाव से, अपनी तपस्या के प्रभाव से भगवान के यहाँ जा रहा हूँ, पर तेरे को लेने के लिए भगवान इस कुटिया में आएगा। आप लोगों ने मानस की पंक्तियों में पढ़ा होगा, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। बड़ी सुंदर रचना भाव विहोर शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। जितना भाव मानस की पंक्तियों में तुलसी ने दिया है, आजकल के चाहे कितने भी कवि हों, उस समय के कवि हों, उन्होंने इतना भाव किसी ने भी नहीं भरा। अपने अपने ढंग से भक्त कवियों ने अनेक तरह की मीता भी कहती है, पग गंग रूबांधी मीरा नाची रहे, उसका भाव अलग था, सूर का भाव अलग था, पर तुलसी का भाव हर जगह में रामत्व को दिखा देने का भाव था। इसलिए शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। अंत में नवदा भक्ति का उपदेश दिया, जो बड़ा विलक्षण है। वैसे हम भागवत में नवदा भक्ति के विषय में पढ़ते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। यह नौ प्रकार के भाव हमारी वैष्णव संप्रदाय में, जो भगवान के सगुण रूप की पूजा करने वाले हैं,
उन लोगों में यह प्रधान्यता नवदा भक्ति के रूप में माना जाता है। और सबरी को भगवान ने जो नवदा भक्ति का उपदेश दिया है वो बड़ा विलक्षण उपदेश है। जहाँ भगवान श्रवण करके भक्ति का आरंभ करते हैं, प्रहलाद अपने पिता को बताते हुए, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने पूछा तूने क्या पढ़ा, कहते हैं संसार में पढ़ने वाली वस्तु कुछ है ही नहीं, तो क्या पढ़ा तूने, मैंने भगवान को पढ़ा। कहाँ है वो भगवान, कहते हैं वो भगवान सर्वत्र है, पर है कहाँ ये बता। वो नौ तरीके से वो प्राप्त होता है, श्रवण से, सुनने से, श्रवणम कीर्तन गुण गायन करने से, स्मरण करने से, दासत्व भाव स्वीकार करने से नवदा भक्ति का उपदेश बड़े सुंदर शब्दों में श्रीमद् भागवत से लेकर के अनेक ग्रंथों में लिखा गया है। किंतु सबरी को उपदेश देते हुए जहाँ भागवत में नवदा भक्ति श्रवण से आरंभ होती है, और सबरी को बताते हुए राम कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों के सत्संग से, संतों की से प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है सबरी तेरे अंदर में दया नहीं आती, और मतंग शरीर का ऋषि तेरे को प्राप्त न होता तो तू मेरे को प्राप्त नहीं कर पाती। ये नौ प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। प्रकारांतर से प्रकरण दोनों एक से हैं, पर बताने का तरीका अलग अलग से था। तो ये नवदा भक्ति का उपदेश राम ने सबरी को दिया। जब सबरी भगवान से आज्ञा मांगने के लिए तैयार हुई, क्योंकि गुरुदेव से कहा था जो आप ने कहा था मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ तू चलेगी, इसी बात को दोहराने के लिए सब जब भगवान ने देखा, भगवान जाने को तैयार हुए, सबरी कहने लगी तनिक रुको, पहले मेरे को जाने दो फिर आप जाना। यह भी गुरु तत्व गुरु की प्रसन्नता का द्योतक था, भृगु के आशीर्वाद का फल था। तो राम ने पूछा सीता के सुधी भामनी, भामनी शब्द से सीता सबरी का उन्होंने उच्चारण किया। भामनी नाम बहन का भी होता है, भामनी नाम माता का भी होता है, और भामनी शब्द का अर्थ श्रेष्ठता का भी द्योतक होता है। भगवान तीनों उपाधि सबरी को देते हैं। तो सबरी कहती है राम पंपा सरही जाई रघुराया, रघुराई तह वो वहीं सुग्रीव मित। पंपा सरोवर के ऊपर ऋषिमुख पर्वत है, वहाँ पर सुग्रीव आपका इंतजार कर रहा है, आप वहाँ चले जाइए। आपका चिर परिचित सेवक भी वहाँ निवास कर रहा है। सो सीता कर खोज करा मैं जह तह मरकट कोट पठावई। और यही रावण के वध का एक प्रारंभिक संकल्प भी था। केकई ने वन में भेजा, शबरी ने रास्ता बता दिया वहां जाओ, और शूर्पणखा ने वो जगह पहुंचा दिया जहां पे भगवान के अवतार की पूर्ति का हेतु होता था। उनको ले जाने यानी रावण को बहका करके भड़का करके सीता का अपहरण करवाया, और रावण का फिर वध हुआ। तो हम ये मानते हैं जैसे नवरात्रि में हम शक्ति के माध्यम से उस शक्ति तत्व का चिंतन करते हुए समाज की समृद्धि के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, ब्रह्मांड की रक्षा के लिए जो माँ से प्रार्थना करते हैं, इसी तरह ये तीन देवियों ने भी असुरों से मुक्ति के लिए, निश्चरों से हीन करने के लिए राम को वन की ओर भेजा। केकई ने वन में भेजा,
शबरी ने जगह बता दी और शूर्पणखा खींच करके लंका में ले गई और राम के अवतार का उद्देश्य पूरा हुआ, रावण का वध हुआ। तो ये शक्ति तत्व क्या है, चाहे हम किसी की भी आराधना करते हैं, किसी भी रूप की आराधना करते हैं, प्रकारांतर से हम उस शक्ति की ही आराधना करते हैं। हम उसके अंदर जो बल के रूप में शक्ति है, ओज के रूप में जो शक्ति है, और भी अनेक तरह की जो उसके अंदर गुण हैं, वह शक्ति के स्वरूप में हैं। इसलिए देवी सूक्त में या देवी सर्वभूतेषु, भगवती के अनेक रूपों के वर्णन में उनकी स्तुति की है देवताओं ने। शक्ति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, ऐसे अनंत रूप, जो जो मनुष्य के अंदर जिन जिन भावों की आवश्यकता है, जिन जिन को व्यक्ति अपने जीवन में उपयोग करता है, उन सब भावों को माँ पराम्बा भगवती के अंदर उन्होंने घटाया है। और माँ की देवता लोग स्तुति करते हैं, माँ प्रकट होती है, असुरों का संहार करती है और लोगों में देवत्व भाव का प्रसार करती है, देवताओं की रक्षा करती है। एक हमारे पथिक जी हुए उत्तर प्रदेश में, बड़े अच्छे संत थे, अपने उदासीन परंपरा के ही थे संत। उन्होंने एक पद लिखा है, यदि मानुष जन्म अमोल मिला, सत्संगत का भी जोग मिला, यदि पथिक प्रेम पथ में चलकर तुम औरों का दुख हर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। भगवान ने ये भव मनुष्य जन्म हमको दिया है। भागवत में भी लिखा है, दुर्लभो मानुषो देहे देहनांक्षण भंगुरा। महाराजा निमि नौ योगेश्वरों से प्रश्न करते हुए कहते हैं, और जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो ज्ञान कांड से संबंधित हों, चाहे कर्म कांड से संबंधित हों, चाहे भक्ति मार्ग से संबंधित हों, सब में मनुष्य जीवन की प्रशंसा की है। पर मनुष्य जीवन को सार्थक हम कैसे बनाएं, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए महा हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं। भारत भूमि देवत्व को विकसित करने वाली भूमि है, यह भोग भूमि नहीं है। कर्म के द्वारा हम श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकें, यह साधना की भूमि है। इसीलिए यहाँ पे तीर्थों की कल्पना की गई है, और तीर्थों के महात्म में जब आप पढ़ते हैं, वहाँ जाने से तुम तपस्या करोगे, तुम्हारा अंतकरण पवित्र होगा, तब तुम्हें ज्ञान होकर के भगवत प्राप्ति होगी, अब उसकी फलश्रुति है। अपनी संस्कृति और अपने परंपराओं के प्रति हमारा गौरव होना चाहिए, उसको हम किसी तरह से भी विध्वंस न होने दें। पारिवारिक जीवन में एक आजकल एक माहौल बन गया है, पारिवारिक जीवन में अशांति का माहौल, पति पत्नी के संबंधों का माहौल, तो उनको भी हम सात्विक रूप से उसको अच्छे व्यवहार के द्वारा हम अपने परिवार को सुखी रखें। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, उनकी हम अंत तक सेवा करें, यह हमारा कर्तव्य है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यह हमारी भारतीय संस्कृति के सूत्र हैं। माता को देवता के समान समझो। मैंने एक माई जो है बुढ़ी हो गई थी, वो अपने छोटे नाती को खिला रही थी गोद में बैठा के। मैंने कहा, देख बुढ़िया, तू तो बुढ़िया हो गई, इसको क्यों खिला रहे? अरे महाराज, बुढ़िया हो गई तो क्या हुआ, यही तो मेरे हाथ की लाठी बनेगा। ये मातृत्व का भाव है, याद रखना। संसार में अगर कोई भी
बिना कुछ प्राप्ति के तब भी हमें पूछता है, वो माता और पिता होते हैं। इसलिए माता पिता की भी सेवा करो। आजकल अनाथ आश्रम बहुत बना दिए गए हैं, जब माता पिता बूढ़े होते हैं ना अनाथ आश्रम में भेज दिए जाते हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, हम माता को मातृ देवो भव, माता को देवता मानते हैं, पिता को देवता मानते हैं, आचार्य जिनसे हमको शिक्षा मिली है उनको देवता मानते हैं। अतिथि जो बिना बुलाए हमारे घर के सामने आ जाए, अगर उसको आपने पहचान लिया कि ये दुराचारी है पर आज भेष बदल के आया है, रोटी उसको जरूर खिलाना, यह हमारी भारतीय संस्कृति है। मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो नव मंगल हो जल मंगल हो नव मंगल हो जल मंगल हो धरती का कण कण मंगल हो धरती का कण कण मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो दिन मंगल हो निशि मंगल हो दिन मंगल हो निशि मंगल हो जीवन का हर क्षण मंगल हो जीवन का हर क्षण मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो मंगल हो मन मंगल हो श्रम से अर्जित धन मंगल हो श्रम से अर्जित धन मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो मति मंगल हो गति मंगल हो मति मंगल हो गति मंगल हो मानव की हर कृति मंगल हो मानव की हर कृति मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल 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 हो सुभा